आलू गोभी मटर बनाने के लिए हमने लिया हुआ है कुछ इस प्रकार से आइटम, जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कितनी मात्रा में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। 200 ग्राम हमने गोभी लिया है और 200 ग्राम हरी मटर, इसको हमने छील लिया है और गोभी को अच्छी तरह से धुल लिया है और इसको हम तलेंगे भी, अभी तेल में मतलब फ्राई करेंगे। हमने लहसुन ले लिया है, छील लिया इसको अच्छी तरीके से, और दो टमाटर लेंगे मीडियम साइज के, और दो मीडियम साइज के प्याज लेंगे, तीन मिर्च लेंगे, और ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, और कुछ ये धनिया है जो कि हमने इसको अच्छी तरीके से धुल लिया है, और ये सरसों का तेल फ्राई करने के लिए हमने इतना लिया हुआ है, और मसाले हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और ये है नमक, स्वाद के अनुसार इसे यूज करेंगे। और हमने कुकर में लिया है दोस्तों आलू, जो कि हमने इसको बॉयल कर लिया है, यानी इसको उबाल लिया अच्छी तरीके से। ये देखिए हमने आलू को अच्छी तरीके से उबाल लिया है, और अब इसको हम निकाल लेंगे और इसे छीलेंगे। इसको छीलेंगे, इसको बाद में यूज करेंगे। इससे क्या है कि आलू हमारे उबल गए हैं, तो सब्जी में इसे पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे सब्जी भी हमारी अच्छी और टेस्टी बनती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम मटर और गोभी की सब्जी बनाना। गोभी मटर की सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम गोभी और 200 ग्राम हरी मटर, और दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, दो टमाटर लिए हैं, और ये अदरक का टुकड़ा है 2 इंच का, और तीन मिर्च है, जितना आप तीखा रखना चाहते हैं उतना आप तीखा रख सकते हैं, धनिया है इसे गार्निश करने के लिए, और ये सरसों का तेल है इसे हम यूज करेंगे, और ये हमने आलू उबाल लिए हैं, और ये लहसुन है, और मसाले हमारे जो हैं वो हैं हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जो कि स्वाद के अनुसार यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अब इसकी सब्जी बनाना। सबसे पहले हम गोभी को तेल में फ्राई करेंगे। कढ़ाई हमने गर्म कर लिया, अब इसमें हम डालेंगे तेल, और तेल को गर्म होने तक वेट करेंगे, फिर इसमें हम फ्राई करेंगे गोभी। तेल थोड़ा गर्म होने दें, तेल हमारा गर्म हो चुका है, तेल अच्छे तरीके से ऊपर आ गया, बिल्कुल गर्म है। अब इसमें हम डालेंगे गोभी और इसके हल्का हल्का फ्राई करेंगे। और इसको हम चलाते रहेंगे ताकि पक रहेंगे। हमारा गोभी देखिए लाल हो गया, बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, और अब इसको हम दूसरी थाली में निकाल लेंगे। हमने ये फ्राई कर लिया है गोभी अच्छी तरीके से, और जो बची है हमारी गोभियां उसको भी हम फ्राई करेंगे तेल में। बाकी गोभियों को भी तेल में ही फ्राई करेंगे, और उसको भी ऐसे छोड़ देंगे। जब एक तरफ की हो जाएगी तो हम दूसरी तरफ से पलटेंगे। गोभी हमारी अच्छी तरीके से पक गई है, तो चलिए इसको भी हम दूसरे ही थाली में से निकाल लेंगे। हमने गोभी अच्छी तरीके से पक गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो उसी तेल में अब हम इसमें डालेंगे प्याज। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, और इसको सुनहरा होने तक अच्छी तरीके से हम
भूनेंगे ताकि ये प्याज बिल्कुल लाल हो जाए और अच्छी तरह से भून जाए। हमारी प्याज लाल हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे मिर्च और इसमें डालेंगे हम मटर। हमने इसमें मटर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से हम चलाएंगे ताकि मटर हमारे पक जाए और ये बिल्कुल कच्चा न रहे, क्योंकि अगर कच्ची मटर हमारे खाते वक्त पड़ती है ग्रेवी के साथ तो अच्छी नहीं लगती, वो बिल्कुल अजीब सा उसका टेस्ट आता है, तो इसलिए इसको हम ढक देंगे ताकि ढकने पे ये अच्छी तरीके से पक जाएगा। ये हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये हमारी मटर अच्छी तरीके से पक जाए। और ये भी पकी नहीं है इसलिए हम इसको कुछ समय के लिए फिर भी ढकेंगे। देखते हैं मटर हमारी पक गई है कि नहीं, देख रहे हैं जैसा कि आप मटर हमारी सही तरीके से पक गई है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी अदरक लहसुन इसमें डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और इसे फिर से हम ढकेंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी सीज जाए और अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, पक जाए। आप देख रहे हैं कि हमारा अदरक लहसुन भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, बट अभी पका नहीं है, हमें इसे और पकाने की ज़रूरत है और हम इसको चलाते रहेंगे नहीं तो ये पकड़ने लगता है और जैसे ये पकड़ता है इसे बर्निंग की स्मेल आने लगती है और बहुत ही ख़राब लगता है, तो वो जल ना पाए सही तरीके से पकना चाहिए। अभी अदरक लहसुन भी हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है और इसमें हम डालेंगे टमाटर, और इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाए। अब इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे इसमें और सबसे पहले डालेंगे हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे गरम मसाले और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें और 1/2 टेबल स्पून हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसमें डालेंगे हम हल्का सा पानी मसाले को पकाने के लिए। और हम इसको अच्छे तरीके से हल्के आंच पे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे करके इसे पकाएंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से पक जाएं। मसाले देखिए हमारे पक गए हैं क्योंकि अच्छी तरह से, और अब इसमें हम आलू को मसल के ऐसे डाल देंगे, आप चाहे तो खड़े भी डाल सकते हैं, इससे क्या है कि ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी बनती है और खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। और इसके साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे जो कि हमने गोभी पहले फ्राई कर लिए थे तेल में, उसको ऐड कर लेंगे और इसको हम मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि तरीके से पूरे मसाले के साथ एक बार पक जाए। और हम इसको ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए।
देखिए हमारा मसाला के साथ गोभी कितना पका, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया। अब हम ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। आपको ग्रेवी जितना रखनी है उस अकॉर्डिंग आप पानी डालिए। आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप ज़्यादा मात्रा में पानी रखिए, कम ग्रेवी रखनी है तो आप कम मात्रा में पानी रखिए, जितना आपको आवश्यकता है। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक जो कि अपने स्वाद के अनुसार। और हम इसको ज़्यादा देर नहीं, बस 1 से 2 मिनट तक करेंगे, जब तक कि उबाल आ जाए अच्छे तरीके से हमारा। तो हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई, हमने गैस को बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनी है हमें और कितनी टेस्टी है। और गार्निश करने के लिए हम इस पर थोड़ा सा ऊपर से धनिया डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और देखने में भी खूबसूरत लगती है। तो आप भी हमारी इस रेसिपी को ट्राई करिए और आप भी बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।